रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की और आज मैं अपने प्रोग्राम में बात करूंगा बीजेपी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की। जी हां, शत्रुघ्न सिन्हा का अक्सर देखने को मिलता था बागीते पर, बीजेपी पर हमलावर जिस तरह से होते थे, बीजेपी नेताओं पर जिस तरह से निशाना साधते थे। और न सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह से देखने को मिलता था कि मोदी सरकार की खिंचाई करते थे। और देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह ये देखने को मिली थी कि इतने समय से शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी के साथ थे, लेकिन उन्हें कोई ऐसा पद या ओहदा नहीं दिया गया जिससे उन्हें लगे कि वो पार्टी में हैं। और यही दर्द उनके चेहरे पर साफ देखने को मिलता था। और देखिए, अब शत्रुघ्न सिन्हा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ गई है और वो खबर ये है कि अब शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। जी हाँ, ये कंफर्म खबर कहीं ना कहीं आ रही है। कांग्रेस के टिकट पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से चुनाव लड़ सकते हैं शत्रुघ्न सिन्हा। जी हाँ, कांग्रेस के टिकट पर वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से चुनाव लड़ सकते हैं। यानी कि अब ये हम कह सकते हैं कि कांग्रेस में शामिल होने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा अब अपने अपमान का बदला बीजेपी से इस तरह से लेंगे। बीजेपी से नाराज चल रहे सांसद शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहारी बाबू 2019 के लोकसभा चुनाव दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। बिहारी बाबू दावेदारी पक्की करने के लिए कांग्रेस के सीनियर नेताओं के संपर्क में भी हैं। बात यहां तक पहुंच गई है कि दावेदारी की बात के लिए अब उन्होंने सीनियर नेताओं से मुलाकात करनी शुरू कर दी है। तो इसकी इसका बड़ा मतलब ये निकाला जा सकता है, बड़ा अर्थ ये निकाला जा सकता है कि अब कुछ ही समय बाद वो कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। शत्रुघ्न सिन्हा के कांग्रेस के उम्मीदवार बनने से नॉर्थ ईस्ट सीट पर दो पूर्वांचली नेताओं के बीच की टक्कर दिलचस्प हो सकती है। यह सीट अभी बीजेपी के पूर्वांचली नेता मनोज तिवारी के पास है। तो जी हाँ, बिल्कुल, ये सीट अगर हम बात करते हैं तो अभी मनोज तिवारी के पास है। और अगर यहाँ से टिकट लेकर खड़े होते हैं शत्रुघ्न सिन्हा तो यहाँ से दो जो है दिग्गज नेता आपस में टकराएंगे और देखते हैं कि किसको जनता वोट करेगी। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि काफ़ी समय पहले से इस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, काफ़ी समय पहले से इस तरह की खबरें आ रही थी कि हो सकता है शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी का साथ छोड़ दें, क्योंकि जैसा कि देखने को मिला था कि शत्रुघ्न सिन्हा का बीजेपी में कोई बड़ा ओहदा नहीं था और ना ही उन्हें किसी बड़े कार्यक्रम में बुलाया जाता था, ना ही उन्हें किसी तरह का कोई इन्विटेशन दिया जाता था। तो यही सब चीज़ें रही हैं जिस वजह से शत्रुघ्न सिन्हा का बागी तेवर देखने को मिला है, और यही सब वजह रही है। और अगर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की हम बात करते हैं तो देखिए, लोकसभा चुनाव नज़दीक है और लोकसभा चुनाव से पहले शत्रुघ्न सिन्हा अगर उस टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो हो सकता है कि वो मनोज तिवारी को हरा दें। क्योंकि अगर बात करें शत्रुघ्न सिन्हा की तो शत्रुघ्न सिन्हा की फैन फॉलोइंग भी बहुत अच्छी है और लोग उन्हें काफ़ी पसंद भी करते हैं एक अच्छी नेता के तौर पर। तो वाकई में अब की बार का जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जो सीट का मुकाबला है वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कड़ा हो जाएगा। और कहीं ना कहीं इस बात से कांग्रेस को बड़ा फायदा मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से अगर मैं शत्रुघ्न सिन्हा की बात करूं तो जिस तरह से उन्होंने फिल्मों में अपने नए अंदाज में, नए तेवर में दिखाई देते थे, जिस तरह से फिल्मों में इनका उनका एक अलग रोल नज़र आता था, उनके डायलॉग को देखकर सुनकर लोग उनकी तारीफ करने से नहीं चूकते थे, तो यहाँ पर भी देखा जा सकता है कि राजनीति में आने के बाद या जिस तरह से उनका अभी तक तेवर देखने को मिला है और जिस तरह से वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, तो कहीं ना कहीं उनके जो फैंस हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, वो अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो शत्रुघ्न सिन्हा का सपोर्ट करेंगे, शत्रुघ्न सिन्हा का जमकर समर्थन करेंगे। वहीं अगर मैं मनोज तिवारी की बात करूँ तो मनोज तिवारी का भी बोलबाला कुछ कम नहीं है। मनोज तिवारी जिस तरह से ना सिर्फ एक गायक हैं, एक्टर हैं, बल्कि जिस तरह से अगर हम बात करें
उनकी भाषा शैली और जिस तरह से वो विपक्षी पार्टी के नेताओं पर तंज कसते हैं तो वो भी देखने को मिलता है। भोजपुरी फिल्मों के एक्टर अगर मैं बात करूँ मनोज तिवारी की, तो उनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत अच्छी है और जो दर्शक हैं उनका गाना सुनने के लिए बेताब रहते हैं। और जैसे ही वो टीवी स्क्रीन पर सामने आते हैं या इंटरव्यू के दौरान विपक्षी पार्टी के नेताओं पर गाना गाकर तंज कसते हैं तो ये देखकर हर कोई जो है उनकी सराहना करने लगता है। और जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ शत्रुघ्न सिन्हा की ही, तो वाकई में ये बहुत अलग जो है यहाँ पर नज़र आ रहा है, बहुत अलग देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा और मनोज तिवारी के बीच में कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आम आदमी पार्टी की तरफ से भी पूर्वांचली उम्मीदवार को खड़ा करने की प्लानिंग है, यानी कि आम आदमी भी जो है पूर्वांचली सीट पर इस सीट पर, जी हाँ, इस सीट पर पूर्वांचली उम्मीदवार को खड़ा करने की प्लानिंग है। ऐसा होता है तो फिर इस सीट पर तीन पूर्वांचली उम्मीदवारों के बीच टक्कर देखने को मिल सकती है। फिलहाल बिहार के पटना साहिब से शत्रुघ्न सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, जी हाँ माफ कीजिएगा, बिहार के पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी सांसद हैं, लेकिन लंबे समय से पार्टी से नाराज चल रहे हैं। इसलिए जब भी उन्हें मौका मिलता है तो वो सार्वजनिक मंच से मोदी की नीतियों के खिलाफ आलोचना करने में पीछे नहीं हटते। हालांकि नॉर्थ ईस्ट सीट पर मनोज तिवारी बनाम शत्रुघ्न सिन्हा के बीच टक्कर को लेकर प्रदेश कांग्रेस नेता चुप्पी साधे हुए हैं। शत्रुघ्न के कांग्रेस में शामिल होने के बाद पर प्रदेश नेता इसे चुनावी कयास भी बता रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो है कि वह इससे इनकार नहीं कर रहे। पिछले दिनों आपसे गठबंधन को लेकर जिस प्रकार प्रदेश कांग्रेस सरकार नकार रही थी, इस मामले में उनकी चुप्पी से कई मायने भी निकल रहे हैं। तलाश हो रही है नए चेहरे की। देखिए, इसीलिए कयास को ना केवल बल मिल रहा है बल्कि यह भी कहा जा रहा है कि अगर नॉर्थ ईस्ट से कांग्रेस अपने पुराने उम्मीदवार की सीट बदल सकती है, क्योंकि इस सीट से पिछला चुनाव जयप्रकाश अग्रवाल ने लड़ा था, अगर यह सीट शत्रुघ्न को जाती है तो फिर जयप्रकाश अग्रवाल को चांदनी चौक शिफ्ट किया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि 7 सीटों में से कांग्रेस की 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर पिछली बार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार का दावा नहीं है, यह है चांदनी चौक और नॉर्थ वेस्ट सीट। चांदनी चौक से पिछली बार चुनाव लड़े कपिल सिब्बल राज्यसभा से चुने जा चुके हैं, जिससे इस सीट पर कांग्रेस की नया उम्मीदवार चाहिए। वहीं नॉर्थ वेस्ट से पिछली बार चुनाव लड़ने वाली कृष्णा तीरथ बीजेपी ज्वाइन कर चुकी हैं, इसलिए यह सीट भी कांग्रेस के लिए खाली है, लेकिन यह रिजर्व सीट है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के पास बीजेपी और आपको टक्कर देने के लिए नेताओं की कमी है। ऐसे में सीटों की अदला बदली और नए चेहरों की तलाश हो रही है, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी दर्ज है, सबसे ज्यादा आ रहा है। और आप भी जो है पूर्वांचली उम्मीदवार को उतारने की तैयारी में है, अगर पूर्वांचली उम्मीदवार आप उतार देती है इस सीट पर, तो इस सीट से जो है बहुत बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा दोनों तीनों उम्मीदवारों के बीच। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जैसा देखने को मिल रहा है कि अलग यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और अगर मैं शत्रुघ्न सिन्हा की ही बात कर लेता हूँ, तो शत्रुघ्न सिन्हा की जिस तरह से बात देखने को मिल रही थी और जिस तरह से नज़र आ रहा था शत्रुघ्न सिन्हा का रौद्र रूप, शत्रुघ्न सिन्हा का अलग रूप, और ये भी खबर आ रही थी कि शत्रुघ्न सिन्हा हो सकता है बीजेपी का साथ छोड़ दें, हो सकता है कि वो कांग्रेस में शामिल हो जाए, और कहीं ना कहीं अब इस बात की पुष्टि होती हुई नज़र आ रही है कि कांग्रेस का साथ अब शत्रुघ्न सिन्हा, यानी कि कांग्रेस का हाथ शत्रुघ्न सिन्हा थाम सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो वाकई में कांग्रेस को बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, और कांग्रेस को बड़ा फायदा मिल सकता है, और हो सकता है कि इस सीट से नॉर्थ ईस्ट वाली जो सीट है वहां से मनोज तिवारी चुनाव हार जाए। जी हाँ, तो बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।